हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे और ट्रांजैक्शन जो है 12 जनवरी तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ट्रांजैक्शन जो है आपका 12 तारीख तक का हम लोगों ने कर लिया था। तो क्या था आपका, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश जो रिसीव करना था, रमेश को सामान हमने उधार में बेचा था, कितने का, 30,000 रुपये का, है ना। रमेश को सामान जो हम लोगों ने बेचा था वो है 30,000 रुपये का, ठीक है। और रमेश कितना दिया ये देखते हैं हम। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश को देना था 30,000 रुपया, रमेश ने दिया 29,500, 29,500 रुपया और 500 का डिस्काउंट दिया था। ये लास्ट वीडियो में हमको कर किया था ट्रांजेक्शन। इसके बाद आपका जो है 14 जनवरी का क्या ट्रांजेक्शन है वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। तो हम लोगों ने क्या किया है, मतलब बिजनेस ने सुधीर से गुड्स परचेज किया है। कहीं भी नहीं लिखा है यहाँ पर कि कैश में परचेस किया है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि सुधीर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है, गुड्स आया बिजनेस के अंदर, तो हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू किससे खरीदा गया है, सुधीर से, सुधीर से खरीदा गया है। अगर कैश में खरीदा जाता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश जाता, लेकिन अभी जो खरीदा गया है वो आपका सुधीर का नाम दिया गया है, इसका मतलब कि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। और सुधीर से खरीदा गया है तो पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, हम सुधीर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सुधीर कौन, बिजनेस को नियर फ्यूचर में पैसा देना होगा सुधीर को, इसलिए ये सुधीर जो है वो बिजनेस का क्रेडिटर है। तो सुधीर कौन है, बिजनेस का क्रेडिटर। इन केस सुधीर का नाम नहीं दिया रहता, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बस इतना ही दिया गया होता, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, ये हम करते हैं। अच्छा, अमाउंट कितना है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सारा चीज़ का जो मनी में जिसका वैल्यू होगा हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो परचेस टू सुधीर 27,000, ये परचेस किया गया है 27,000 रुपये का, बींग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर, ये आप जो है नरेशन लिख देना। 14 के बाद है 18 तारीख, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, सारी बातों को दिमाग में ध्यान रखना है। कार्टेज पेड, कार्टेज का मतलब हो गया यहाँ पर भाड़ा दिया गया है, भाड़ा दिया गया है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। कार्टेज पे किया गया है मतलब भाड़ा दिया गया है, कोई सामान आया होगा जिसका भाड़ा कार्टेज यानी भाड़ा दिया गया, तो जैसे सैलरी है, वेजेस है, ये सारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उस तरह से कार्टेज भी जो पे किया गया है वो भी आपका बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट करेंगे हम। कार्टेज एक्सपेंस क्या है, कार्टेज, तो इसको हम डेबिट करेंगे, गया क्या बिजनेस से, कैश, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पर ये बनेगा, कार्टेज एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कार्टेज को हमने यहाँ पे डेबिट किया। अमाउंट है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपया, ठीक है ना। बींग कार्टेज पेड, यही आप यहाँ पर नरेशन लिख देना। 18 तारीख के बाद है आपका 22 तारीख का, क्या कहता है, 22 तारीख का है बींग कैरेज ऑन परचेज, तो नहीं 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 ये नहीं है। अच्छा, 18 के बाद 20 तारीख है आपका यहाँ पर, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, आसान है आप, बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल लिया बिजनेस से, जो ऑनर है बिजनेस का, सुधीर तो ऑनर नहीं है, क्रेडिटर है, ये मान लीजिए ऑनर है बिजनेस का, इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकाल लिया, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। अब घरेलू इस्तेमाल में यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग, जो भी है, तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला गया, ये आपका होगा यहाँ पर।
अब इसका क्या बनेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा। ठीक है, इसका भी हम थोड़ा सा आपको लॉजिक भी समझा देते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये बनेगा। कितना है अमाउंट पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपीज़ यहाँ पर है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या है इसके पीछे का लॉजिक। देखो, जब इसका लॉजिक समझते हैं, जब बिजनेस में ऑनर कैश इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो हम लोग एंट्री जो है वो जान ही रहे हो क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में, और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि बिजनेसमैन ने 12,000 रुपये लगाया, तो 12,000 बिजनेस में कैश आया और कैपिटल जो बढ़ गया वो बढ़ गया आपका 12,000 से। ये एंट्री तो अब इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है इस एंट्री में। तो अब ये बना, अकाउंटिंग में अगर सिमिलर अकाउंट को एक बार डेबिट करोगे और एक बार क्रेडिट करोगे तो वो आपस में कटता है, कट जाएगा आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, अगर हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो आपस में वो कटेगा। कैश अकाउंट सिमिलर अकाउंट, कैश ही अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो आपस में वो कटेगा। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए कि बिजनेस में ऑनर जो है, ये ऑनर है बिजनेस का, और इसने बिजनेस में, ये बिजनेस है, इसमें क्या लगाया, 12,000 रुपये कैश लगाया, तो बिजनेस में क्या आया, कैश इंक्रीमेंट हुआ, एसेट बढ़ा 12,000 का, और ऑनर जो है उसका कैपिटल 12,000 से इंक्रीज किया, यही हुआ ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया। अब बिजनेस से जो है कैश निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, मान कह लेते हैं, अभी जो फिगर है उसी को लेकर हम चलते हैं, 5,000 रुपया निकाला। तो बताइए कि जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? कैपिटल कम होगा। अब यहाँ से कैपिटल कितने से कम होगा, 5,000 से कम होगा। अब इसको घटाना है हमको, यहाँ पर क्या करना है, 5,000 रुपये से कैपिटल को डिक्रीज करना है क्योंकि निकाला। क्या उपाय हो सकता है? ये हो सकता है कि आपका कैपिटल एक बार क्रेडिट है, अगर हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे कितने से, 5,000 रुपीज़ से, तो ये आपस में कटेगा। एक बार क्रेडिट, सिमिलर अकाउंट क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, आपस में ये कटेगा। और कैसे कटेगा, काटना नहीं है आपको, लेकिन हम काट के दिखा रहे हैं आपको। हम कभी भी अकाउंट में वाइटनर, ग्लू, या फिर जैसे आप पेन से काट देते हो उस तरह का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ रखे हैं कि जो है आपका अकाउंटिंग जो है बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद, लोगों का उस पर भरोसा होना चाहिए तभी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर लोगों का भरोसा नहीं होगा तो बिजनेस पे भी भरोसा नहीं होगा, तब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्रेडिटर उधार में सामान देना नहीं चाहेगा। इसलिए कभी भी आप काटोगे नहीं, ये ऑटोमेटिक कटता है। जैसे कैपिटल अकाउंट को 12,000 से हमने क्रेडिट किया और कैपिटल को 5,000 से डेबिट किया तो ये कटेगा। अब काट के हम अभी दिखाते हैं, लेकिन काटना एक्चुअली में नहीं है, 5,000 यहाँ कट गया और 5,000 रुपये यहाँ कट गया, तो बचा कितना, 7,000 रुपये। इसका मतलब ऑनर ने 5,000 रुपये निकाल लिया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 से, तो बचा कितना कैपिटल, 7,000 रुपये। ठीक है, निकाला जब अब पैसा तो जाहिर सी बात है कैश भी कम होगा, कितने से, 5,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट है यहाँ पर कितने से, 12,000 से। 5,000 निकाला तो 5,000 से इसको क्रेडिट कर देते हैं, तो 5,000 यहाँ कट जाएगा कैश अकाउंट, दोनों सिमिलर अकाउंट है, कैश कैश है, और यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7,000। तो बताइए, तो ऑनर के पास कितना अभी पैसा जो है, जो इन्वेस्ट किया है, लगाया है, वो कितना पैसा है, कैश टू कैपिटल 7,000 7,000, बाकी क्या, तो 5,000 तो इसने निकाल ही लिया बाहर, तो बचा कितना, 7,000। तो यही बनता है ड्राइंग्स का एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इस एंट्री को आप बनाओगे तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है।
लेकिन एक झटके में आपको पता चल रहा है कि ये ड्राइंग्स का एंट्री है, मतलब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, कैश निकाला है, क्या ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसीलिए इस कैपिटल के आगे एक पर्दा लगा देंगे हम, और पर्दे में क्या लगा देंगे, देखिए इस पर्दे में हम यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स। क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स। एक पर्दा लग गया इस कैपिटल के ऊपर, लगा दिए ड्राइंग्स। तो अब पता चल रहा है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने पैसा निकाला है। हाँ, क्योंकि जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग्स। एक झटके में बोल दोगे कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा निकाला है, 5,000। फिलहाल काटना नहीं था आपको, है ना? तो ड्राइंग्स टू कैश ये बनेगा आपका। इसके पीछे अगर पर्दा हटाओगे तो क्या दिखेगा आपका? कैपिटल दिखेगा। तो कैपिटल टू कैश होता है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हम जब ऑनर पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स निकालेंगे, ये एक पर्दा है, इसके पीछे कैपिटल ही छिपा हुआ है। क्लियर है बात? तो एंट्री फाइनली बनेगा क्या, बिना कटम कुटुम के क्या बनेगा? देखो 12,000 रुपये लाया था, ऐसे लिख दो, काटना नहीं है आपको, ऑटोमेटिक कट गया। यहाँ भी 12,000 है तो 12,000 लिख दो, ये लाया था और निकाला कितना, काटना नहीं है, 5,000 रुपये ये और 5,000 रुपये ये। ये करोगे, ये ऑटोमेटिक कटा हुआ है आपस में, समझे? तो एंट्री क्या बनेगा? ड्राइंग्स टू कैश। इसीलिए हमने ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए जो कैश विड्रॉ किया तो क्या बना यहाँ पर? ड्राइंग टू कैश ये बनेगा आपका, ठीक है? ये एंट्री बनेगा आपका। लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक है, हटा देते हैं इसको। ये एंट्री समझ में है आपको, 22 तारीख का ये एंट्री था, 22 नहीं था, कितना था, 20 तारीख का था ना, 20 तारीख का था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 20 तारीख का ये था आपका। लिख दीजिएगा बींग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, या नरेशन लिख देना आपको। अब आएगा कौन सा तारीख है, 22 तारीख का है, गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड, गुड्स इस्तेमाल किया गया। अरे यहीं पे बताना था, चलो ठीक है। अब क्या किया गया है, गुड्स जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है, ठीक है बात? गुड्स निकाला गया है इस बार। तो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालेगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ड्राइंग्स का। एक्चुअली में ये ड्राइंग्स के पीछे कैपिटल ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स निकाला है तो क्या क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। क्यों बताते हैं, एक मिनट पहले एंट्री कर लेते हैं परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है ये देख लेते हैं पहले। अमाउंट है आपका 2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000। देखिए क्या है आपका कि ड्राइंग्स तो आप जान ही रहे हैं कि कैपिटल कुछ भी ऑनर लाता है, कुछ भी लाता है बिजनेस में, चाहे स्टॉक लाए, चाहे गुड्स लेकर के आए, चाहे कोई मशीनरी लेकर आए, कोई भी फिक्स एसेट लेकर आए, कोई भी कैश लेकर आए, तो हम जो है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना? कुछ भी लेकर के आए तो वो उसके कैपिटल का हिस्सा है, तो इसके पीछे तो कैपिटल ही है। परचेस को क्यों क्रेडिट किए यहाँ पर? देखिए जब भी आप जो है गुड्स जब खरीदे थे, बिजनेस ने गुड्स पर जब परचेस किया था तो परचेस अकाउंट को डेबिट किए थे। सपोज मान लेते हैं 5,000 रुपये का जो है परचेस किया गया, तो 5,000 से डेबिट किए थे परचेस अकाउंट को। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट किए थे 27,000 है, अभी हम मानते हैं 5,000 है फिलहाल। अच्छा, अब ऑनर ने क्या किया, निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे दुकान में सामान है पड़ा हुआ, अब वो तो बेचने के लिए है। लेकिन अगर घर पर मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप मान लीजिए आपका क्लोथ का बिज़नेस है, कपड़े का बिज़नेस है, ठंड का मौसम आता है तो जो स्वेटर है या जैकेट है आपके दुकान पे अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, घर जो है दूसरे दुकान से खरीद के ले जाओगे स्वेटर या जैकेट, या अपनी दुकान से ले जाओगे? जाहिर सी बात है कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर चाहे क्लोथ का बिज़नेस हो या राशन दुकान हो कुछ भी, तो आप अपने ही बिज़नेस से घर का जो है लेकर के जाओगे। यहाँ पर ड्राइंग्स तो आप करोगे क्योंकि अपने बिज़नेस से आपने सामान को निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल तो कम होगा, इसके पीछे क्या है, कैपिटल, ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा। अच्छा, 2,000 का सामान निकाला आपने तो परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, अगर 2,000 का निकाल लिया तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक मिनट समझिएगा, अभी परचेस अकाउंट को क्या करेंगे,
परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना से? 2000 से। तो 2000 से ऑनर का कैपिटल, इसके पीछे क्या है? कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगा। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्या किए, क्यों किए? क्योंकि देखिए 2000 यहाँ से कटेगा और यहाँ से 2000 कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 3000 का। तो एक्चुअली में जब आप पर्सनल यूज़ के लिए, देखिए मान लेते हैं कि पूरा 5000 का सामान था जिसमें से 2000 का ले गए, तो बचेगा कितना? 3000 रुपये। तो परचेज अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करने का रीज़न ये है कि 2000 ये और 2000 यहाँ से कटेगा, तो बचेगा कितना? स्टॉक 3000 का। इसीलिए ये आपस में कट जाए, इसलिए परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, काटना आपको नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट चुका है। 5000 ये माने थे हम खुद से और 2000 यहाँ पे। ठीक है, तो कट गया। तो बताइए यहाँ पे कितने का सामान बचा? 2000 निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा आपका 3000 रुपये का। इसलिए ड्राइंग्स टू परचेस करते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ आप नरेशन लिख देना, बींग गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्या है आपका? 22 तारीख के बाद 25 तारीख लास्ट है आपका। क्या कहता है 25 तारीख का ट्रांजेक्शन? कैश पेड टू सुधीर, डिस्काउंट रिसिप्ट। कैश पेड कर रहे हैं सुधीर को। अच्छा, तो सुधीर से को कैश पेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हम सामान 25 किए थे। कितने का वो देखना होगा, 14 तारीख का ट्रांजेक्शन है, 14 तारीख का है, 27000 रुपये का 25 किए थे, अब पेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम 27 तारीख का ट्रांजेक्शन तो नहीं है, है क्या? नहीं, 27 तारीख का नहीं है। कितना तारीख का सुधीर से खरीदे थे? 14 तारीख का है, तो 27, चलो हो गया। 14 तारीख का यहाँ पर परचेस टू सुधीर है 27000 रुपये का, ये सुधीर से परचेस किए थे। चलो इसको बना करके दिखाते हैं, अब एक बार सिर्फ समझना है, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सुधीर, इससे क्रेडिट परचेस किए थे, लिख देते हैं क्रेडिट, क्रेडिट परचेस है ना। कितने का किए थे? 27000 रुपये का। उधार में सामान बिजनेस खरीदा था 27000 रुपये का। तो नियर फ्यूचर में बिजनेस सुधीर को कितना देगा? 27000 रुपये देगा। यही है ना, सारा रिकॉर्डिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब सुधीर को पैसा जो है वो पेड करना है, पेड कर रहा है बिजनेस। सुधीर कौन? बिजनेस के हिसाब से सोचिए, डेबिट द रिसीवर। तो हम यहाँ पर सुधीर को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा रिसीव करना है। कितना रिसीव करना है वो सुधीर के सामने लिख दीजिए। 27000 रुपया सुधीर को यहाँ पर रिसीव करना है, इसलिए डेबिट द रिसीवर सुधीर को हम लिख दिए 27000 रुपया। अच्छा, अब देखो तो बिजनेस कितना पे कर रहा है, तो बोलता है 26700 रुपये पे कर रहा है। करना था 27000, लेकिन बिजनेस से एक्चुअली कैश कितना जा रहा है? 26700 रुपया। तो बिजनेस से क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, कैश कितना जा रहा है ना, 26700 रुपया ये आपका हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर बिजनेस से कैश 26300 गया। ठीक है, आराम से समझते हैं। बिजनेस को सुधीर, यानी सुधीर कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि ये लेनदार है, लेने के लिए बैठा हुआ है और दे भी रहे हैं हम। बिजनेस को देना था 27000 सुधीर को, तो सुधीर के सामने लिख देते क्रेडिटर कितने का था, तो 27000 रुपये का क्रेडिटर था। ठीक है, 27000 क्रेडिटर था। कैश कितना गया बिजनेस से? बिजनेस के लिए क्रेडिटर कितने का था? तो 27000 का। और क्रेडिटर क्या है? डेबिट द रिसीवर है, तो रिसीव करने के लिए कितना बैठा है? डेबिट द रिसीवर 27000, ये लिख देंगे हम क्रेडिटर के सामने यानी सुधीर के सामने। फिर बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कितना गया पैसा सुधीर को, क्रेडिट वाट गोज आउट 26700, जाना था कितना? बिजनेस के हिसाब से सोचिए 27000, गया कितना? 26700। बिजनेस को 300 रुपये का फायदा हो गया, 300 रुपये का फायदा हुआ, इनकम हुआ, क्रेडिट और इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्या आ जाएंगे? डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, बिजनेस को फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पर 300 रुपीस बन गया। सब कुछ बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब सोचिए, सामने वाला कौन, क्रेडिटर यानी सुधीर, डेबिट द रिसीवर है वो, तो डेबिट द रिसीवर सुधीर को कर दिया। बिजनेस से कितना कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट 26,700। बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ, याद रखिएगा हम सब में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ, तो 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम बिजनेस को 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसलिए क्रेडिट कर दिए, नाम डालेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हो गया आपका? तो ये होगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो है आप यहाँ पर बना देना, नरेशन लिख देना, क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से आपको सब कुछ बनाना है। कन्फ्यूज मत होना कि बीच में कभी भी कोई भी एंट्री जब आप कर रहे होगे तो कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ से सोचे, इसके हिसाब से सोचे या सामने वाले के हिसाब से सोचे, कभी भी सामने वाले के हिसाब से सोचना ही नहीं है, तो एंट्री गलत हो जाएगा आपका। हमेशा बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस ने क्या दिया, बस यही आपको ध्यान में रखना है, और यही आपका कहता है सेपरेट या बिजनेस एंट्री कंसेप्ट, कि जो भी है बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करिएगा। अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगिएगा तो आपका एंट्री गलत हो जाएगा, है ना, और समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको बताएंगे। थैंक यू।